जी कैसे हैं? चलिए सभी ठीक होंगे। ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। बात करते हैं कि आज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहते हैं इसको, उसकी बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स को पढ़ने के लिए ना पहले ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो आज ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, HCF। एक्चुअली इसको निकालते कैसे हैं पहले प्रोसेस समझते हैं, और उसके बाद ना बहुत शॉर्ट ट्रिक वाली है ना, वेरी शॉर्ट ट्रिक कहते हैं इसको, बहुत आसान तरीका सीखेंगे, बिल्कुल धमाल बजाने वाले हैं आज। क्या करना है देखो, और आंसर देखते ही आंसर निकालने वाले, पहले समझते हैं इसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 6 and 12। क्या करना है, HCF निकालना भाई, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि HCF निकालना है। HCF के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए क्या है, उसके बाद मैं देखता हूँ कॉमन क्या चीज़ होती है, उसके बाद फिर हाईएस्ट। तो ये सारी बातें हमें पहले पता होना चाहिए। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर 6 की बात कर रहा हूँ तो ध्यान दें इसके फैक्टर क्या होंगे वो समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि फैक्टर होता क्या है। किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर का फैक्टर निकालने के लिए हमें ऐसे नंबर चाहिए जो उसको डिवाइड कर दे। कैसे, 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 3 and 6, 4 और 5 तो कर ही नहीं सकता इसको। तो ये वाले ना ऑल आर फैक्टर ऑफ 6। अगर मैं 12 की बात करता हूँ, 12 तो बच्चों 1, 2, 3, 4 and 5 से जाएगा नहीं, है ना, 6 और 12, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे सर 5 और 7 और 8 क्यों नहीं लिए, इनसे डिवाइड नहीं होगा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, ध्यान दें, मैंने ये कॉमन लिख लिया, ये फैक्टर लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ कॉमन की, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई वो देखते हैं। कॉमन देखो 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, ओके, 3 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, ये भी क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी इजी। ये तो इनमें से हाईएस्ट क्या होगा, 6 होगा ना। तो जो आपका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा ना वो 6 होगा। ये होता है प्रोसेस आपका निकालने का। फैक्टर करोगे तो कम से कम 1 से 2 मिनट लगेगा आपको, लेकिन हमें तो चाहिए ना, कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट ट्रिक समझने जा रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या चाहिए, देखो और आंसर, देखते ही आंसर चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड लगनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो, तभी कुछ होगा, अदरवाइज तो फिर आप जानते हो उसे मैथ्स कहते हैं, 3 दिन में भी क्वेश्चन ना हो। चलिए स्टार्ट करें, यहाँ पहुँचते हैं। ये हम नहीं सीखने वाले ना, ये सिर्फ आपको बताया गया है, इतना करते हैं, इतना टाइम लगता है और इतना सब कुछ करने के बाद HCF निकलता है। हम यहाँ देखने वाले हैं, सबसे पहली बात आपको क्या देखना है, स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी गिवन नंबर है उसमें सबसे छोटा नंबर देखते हैं, कौन सा है, ये छोटा है, ठीक है ना, स्मॉल कहते हैं इसको ना। इस स्मॉल नंबर में ये देखना है क्या इससे डिवाइड हो रहा है, आगे जितने भी नंबर हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, हाँ भाई हो रहे हैं, और डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लीजिए स्मॉल नंबर जो भी है ना दैट इज HCF। बात खत्म, इतना नहीं पढ़ना, इतना पढ़ना है कि अगर हमारे पास ये 2 नंबर हैं, मैंने लिखा 4 and 8, ये स्मॉल नंबर है, इससे डिवाइड हो रहा है, दैट इज HCF 4, बस बात खत्म, कहानी खत्म, देखो और आंसर लगाओ भाई, वेरी इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करेंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं और SSC CGL को टारगेट करेंगे हम, ठीक है। मैं लेता हूँ 4 and 8 and 12 लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या देखा कि इसमें डिवाइड करने की कोशिश की बट डिवाइड नहीं हुआ भाई, है ना, डिवाइड तो नहीं हुआ, तो क्या ये HCF होगा, नहीं होगा। अब इसकी कंडीशन के बाद क्या करेंगे, अगर डिवाइड करने पर नहीं आ रहा, नहीं हो रहा डिवाइड, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए ध्यान दें, उसके लिए छोटे नंबर को उठाएं और उसके फैक्टर कर दो, 4, 2, 1, इसके फैक्टर ये होंगे ना, इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 4 को उठा लो, डिवाइड करके देखो हो रहा है ना। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो कट जाएगा, इसका मतलब क्या, 4 HCF है, ठीक है। 8 and 12 में HCF क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान एग्जांपल है मेरे पास है, देखते हैं। SSC में आया हुआ है, देखो बच्चे ये क्वेश्चन ना SSC में आया हुआ है, देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है,
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 8, 20 एंड 28 एंड 44, इस बात की गारंटी है अगर बच्चों अगर इसको आप करने बैठेंगे ना तो कम से कम 2-3 या 4 मिनट कम से कम ले लोगे, और हो सकता है फिर भी गड़बड़ कर दो, लेकिन हमें तो सिर्फ 10-15 सेकंड से पहले पहले करना है। देखो इसके फैक्टर करने में आपको टाइम लगेगा, फिर उसको कॉमन लेने में, फिर हाईएस्ट छांटने में। तो हम बहुत आसान ट्रिक लेते हैं कि सबसे छोटा वाला लिया, ठीक है ना, 8 से डिवाइड करके देखा, नहीं जा रहा, ठीक है ना, बात खत्म कर दी, नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए, अब 4 से डिवाइड करके देखा, यस जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 4 से डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये HCF हो गया भाई आपका, बात खत्म यहीं पर, देखते ही आंसर हो गया उसका, अदरवाइज आप फैक्टर करते करते पागल हो जाते। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और ये आपका बैंक में आया हुआ है, 42 एंड 63 एंड 140, बड़ा HCF निकालना है इसका, क्या करना है HCF, तो मैंने क्या बताया आपको, वही सिंपल तरीका है, इसके शायद कुछ वो दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, मेरे पास बुक है, 14 है ऑप्शन एंड 9 है और 21 है एंड 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि सबसे छोटा नंबर तो यही है ना, इससे डिवाइड नहीं हो रहा किसी का, तो ये तो हो नहीं सकता पहली बात तो HCF। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो 21 होंगे, ठीक है ना, ओके, तो 21 से ये डिवाइड हो रहा है, दैट्स गुड, बट 21 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 21 का टेबल आता हुआ तभी तो ना, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, हो रहा है, एक बार देखो 20 से हो रहा है कि नहीं, ये नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या किया, फिर इसके फैक्टर और करता हूँ तो 7 आता है, ठीक है ना, 14 से, अब 14 भी था, 14 से करके देखो, 14 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से देखो, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड, इसका मतलब आपका आंसर है ना ये है, क्या HCF, डी, डी है आपका आंसर भाई, जो डिवाइड हो जाए वही ना, मैंने कहा ना एक बार डिवाइड करके देख लें, HCF वहीं ख़त्म होता है आपका, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हैं मैं लिख देता हूँ आपको, ट्राई करेगा और कमेंट में जरूर उनके आंसर बताने हैं आपको, वेरी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे और मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, आप विशेष करके ध्यान देंगे उनको और उनकी आंसर्स निकालेंगे, ठीक है ना, 6, 12 एंड 18, ठीक है ना, नोट करते चलें आप लोग, और इनकी आंसर्स आपको कमेंट में देना है, 42, 135 एंड 8, 20 एंड 28 एंड 44 एंड 42, 63 एंड 140 एंड 54, 108 एंड 162। इसी ट्रिक का यूज़ करना है मेरे प्यारे बच्चों, और आराम से दिक्कत वाली बात ना हो, 4 और 8 कर लीजिए एंड नेक्स्ट 8 एंड 18 कर लेंगे, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 वाला हो गया, ओके, बस इट इज़ एनफ, ये सारे क्वेश्चन हैं आप करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ में, तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे।